चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। यहां पे आज हमारे द्वारा बातचीत किया जाएगा आपके सिलेबस के एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर्यावरण की अवधारणाओं पे। और यहां से एक नंबर श्योर होता है, आप थोड़ा सा बस कंसंट्रेट होकर के ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको बिल्कुल इस तरीके से बताया जाएगा जहाँ से आपका एक भी प्रश्न किसी भी प्रकार से बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें पर्यावरण की अवधारणाओं की, तो नंबर एक पर हमारा आता है नियतिवादी अवधारणा। क्या आता है? नियतिवादी अवधारणा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि नियतिवादी अवधारणा क्या है, तो सीधी सी बात आप यहाँ पे या हम सबसे पहले संपूर्ण रूप में आपको यहाँ पे एक समझ प्रदान कर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अगर वो किसी नए स्थान पर जाता है तो उसको मूल रूप से तीन समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी, तीन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नंबर एक, जो व्यक्ति नए वातावरण में, नए पर्यावरण में गया है, वह उस पर्यावरण के साथ समायोजन करने के लिए अपने समस्त व्यवहार और क्रिया को पर्यावरण के नियमों के अनुसार ढाल ले। सिचुएशन नंबर एक। सिचुएशन नंबर दो बनता है कि अगर वो प्रकृति के अनुसार स्वयं नहीं ढल पा रहा है तो वह प्रकृति को अपने अनुसार कर ले। तीसरा यहाँ पे क्या बात कहता है कि अगर ये नहीं हो पा रहा है, ना हम उनके अनुसार ना वो हमारे अनुसार, तो हम तीसरी मध्यस्थता कराते हैं कि आप थोड़ी सी आप हमारे अनुसार हो जाइए और थोड़ा सा हम आपके अनुसार, और दोनों समायोजन कर लें। ये हमारी तीसरी अवधारणा। तो देखिएगा, पहले नंबर एक पर नियतिवादी अवधारणा, तो ये अवधारणा क्या कहती है कि ये कहती है कि मनुष्य को प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए या प्रकृति के अनुसार व्यवहार को ढाल लेना चाहिए। तो अब देखिए सीधी सी बात, सिचुएशन नंबर एक, तो इस यह अवधारणा का कहना है कि प्रकृति, इस अवधारणा का कहना है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है, प्रकृति सर्वशक्तिमान है और मनुष्य प्रकृति के हाथ का क्या है, एक खिलौना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न पूछता है कि नियतिवादी अवधारणा, तो प्रश्न क्या बनेगा कि किस अवधारणा ने मनुष्य को प्रकृति के अनुसार व्यवहार करने या प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढालने की बात की है, तो कौन सी अवधारणा? नियतिवादी अवधारणा। प्रश्न पूछता है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है और मनुष्य उसके हाथ का खिलौना है, यह किस अवधारणा ने इस पर बल दिया है, तो किस अवधारणा ने? नियतिवादी अवधारणा। इसकी का एक तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि यह मनुष्य का जन्म जो है, यह मानता है कि इसका जन्म पृथ्वी से हुआ है। किससे हुआ है? पृथ्वी से हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न पूछता है कि किस अवधारणा ने मनुष्य का जन्म पृथ्वी से माना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किसने माना है? नियतिवादी अवधारणा ने माना है। तो ये बात हमने किसकी किया? ये बात हमने किया हुआ है किसकी? नियतिवादी अवधारणा की। हमारी दूसरे नंबर की अवधारणा आती है संभववादी अवधारणा। संभववादी अवधारणा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहां पे पहला शब्द ही लिखा है, संभव शब्द लिखा है, सीधा सा मतलब है कि सब कुछ संभव है। तो पहला प्रश्न यहां से यही पूछता है कि वैज्ञानिकता पर जोर देने वाली अवधारणा कौन सी है? तो वैज्ञानिकता पर जोर देने वाली हमारी जो अवधारणा है वह हमारी संभववादी अवधारणा है। नेक्स्ट प्रश्न होता है कि मनुष्य को
को प्रकृति में, मनुष्य को प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ किस अवधारणा ने माना है? तो किस अवधारणा ने माना? संभववादी अवधारणा ने माना है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मनुष्य प्रकृति में हर संभव, मनुष्य प्रकृति में हर संभव फेर बदल कर सकता है, हर संभव फेर बदल कर सकता है, यह किस अवधारणा का मानना है? तो साहब ये किसका मानना है? संभववादी अवधारणा का मानना है। मतलब नियतिवादी अवधारणा आपकी कह रही है कि मनुष्य कुछ भी नहीं, प्रकृति सर्वशक्तिमान है, और संभववादी अवधारणा कह रहा है कि नहीं, ये वैज्ञानिकता पर जोर देने वाला, अर्थात ये प्रयोग पर विश्वास करता है और मनुष्य निरंतर प्रयोग करके, अब वो पूछता है किस अवधारणा का मानना है कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है। तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की मनुष्य की बात करता है, कौन सी अवधारणा? संभव। ये कहता है कि मनुष्य हर प्रकार का प्रकृति में छेड़छाड़ कर सकता है, हर परिवर्तन कर सकता है, वो प्रकृति को जैसा चाहे वैसा बदल करके अपने अनुसार कर सकता है। तो ये हमारी जो अवधारणा है, कौन सी अवधारणा कहलाएगी? संभववादी अवधारणा। हमारी तीसरी अवधारणा है नव नियतिवादी अवधारणा। हमारी नव नियतिवादी अवधारणा हमारी क्या कहती है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका कहना है कि मानव एक अंग इसने माना मानव, और दूसरा अंग माना प्रकृति, और मानव और प्रकृति दोनों के मध्य मध्यस्थता कराने का प्रयास किया। इसने क्या कहा? इसने कहा कि मानव भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण है और प्रकृति भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को प्रकृति में उसी संभव तक छेड़छाड़ करना चाहिए जिस सीमा तक प्रकृति को नुकसान न पहुंचे, और जहां नुकसान पहुंचने लगे वहां मनुष्य को प्रकृति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। तो इसने क्या कहा, इस अवधारणा ने क्या कहा? इसने सतत विकास की बात किया। सतत का मतलब साथ साथ, इसने प्रकृति और यहाँ पे मानव दोनों की इसने धारणीय विकास, धारणीय का मतलब भी वही है कि दोनों पर बल प्रदान किया कि दोनों का विकास हो। इस पर हमारा किस अवधारणा ने बल दिया? नव नियतिवादी अवधारणा ने बल दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम आपको यहाँ पे एक, ये तो तीन का तीनों कंडीशन हो गया, एक मिनट इसको देख लीजिएगा कि प्रकृति पर जोर देने वाली कौन सी अवधारणा है? नियतिवादी अवधारणा। मनुष्य पर जोर देने वाली, उसको सर्वश्रेष्ठ बताने वाली अवधारणा संभववादी अवधारणा। दोनों के मध्य मध्यस्थता कराने वाली अवधारणा नव नियतिवादी अवधारणा। इस अवधारणा ने उपर्युक्त दोनों अवधारणा को नकार दिया। इसने कहा दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं, सबकी अपनी महत्व है, बस ये चाहिए कि मनुष्य प्रकृति पर उतना ही छेड़छाड़ करे जितना संभव हो। आगे इसकी एक चौथी अवधारणा भी प्रदान की गई। अगर हम यहाँ चौथी अवधारणा की अगर हम बात करते हैं तो चौथी अवधारणा है हमारी पारिस्थितिकी अवधारणा। और इस पारिस्थितिकी अवधारणा के अंतर्गत यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसने क्या कहा। इसने कहा कि मनुष्य प्रकृति का एक घटक है, न कि उसका परिवर्तन करता। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये पारिस्थितिकी अवधारणा का क्या मानना था? इसने समाज की स्थिरता की बात की। इसने क्या कहा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पारिस्थितिकी उपागम ने कहा कि प्रकृति मनुष्य को छेड़छाड़ का मौका प्रदान करती है। जैसे मनुष्य ने खेत को साफ किया, जंगलों को काटा, घासों को उखाड़ा और उसने खेत बनाया, प्रकृति चाहेगी तभी मनुष्य उस पर कृषि कार्य करेगा। बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, फसल बह जाए, बारिश हो ही ना, फसल सूख जाए,
तो इसका मानना है कि प्रकृति स्वयं मनुष्य को छेड़छाड़ का मौका देती है, इसलिए मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं है बल्कि उसी का एक घटक है, यह उसका परिवर्तन करना नहीं है। समाज स्थिर है और समाज को चलाने वाला खुद प्रकृति खुद है, इसलिए यहाँ पे मनुष्य को एक कठपुतली की भांति अपना जो भी यहाँ पे कार्य है उसको करते रहना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर आपसे बातचीत किया पर्यावरण की अवधारणाओं पर, सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू।